नमस्कार दोस्तों, जय महाकाली। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो? देखिए, आज हम संविधान निर्माण और विशेषताओं से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है? शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण हैं। ऑप्शन ए, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान हैं। ऑप्शन सी, ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित हैं। ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तैयारी अच्छी करनी है आपको, लेवल की तैयारी करनी है और इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी हैं? ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। ऑप्शन बी, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन सी, संविधान में तीन सूचियां। ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ ले, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ने पर भी हम कभी कभी एग्जाम में आते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। ये कथन सही नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ? 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कब सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, ठीक है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चार। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी, वेवल योजना। ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी थीस में से थीस सही होते हैं तो कमेंट करके हमें बता दें, क्योंकि कमेंट करके बताओगे तो हमें पता चलेगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पांच। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी, 13 दिसंबर 1946। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहना चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर छः देखिए। 42वें
संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? ऑप्शन ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी धर्म निरपेक्ष समाजवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था। ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है? ऑप्शन ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है, कौन सा लेख जारी किया जाता है आपको वो बताना है। ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी परमादेश, ऑप्शन डी अधिकार पत्र। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी परमादेश, क्या होगा ऑप्शन सी परमादेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, पीडीएफ काफ़ी मुश्किल से बनाई जाती हैं, हमारे पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है ना, लैपटॉप नहीं है, हम फ़ोन से ही पीडीएफ बनाते हैं, फ़ोन से ही टाइप करके बनाते हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो, और निश्चित रूप से उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है ना, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी राष्ट्र निरपेक्ष, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी राष्ट्र निरपेक्ष, राष्ट्र निरपेक्ष प्रस्तावना में नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। के एम मुंशी का संबंध किससे हैं? ऑप्शन ए संविधान की प्रारूप समिति से, ऑप्शन बी प्रस्तावना समिति से, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि के एम मुंशी का संबंध किससे हैं, किससे हैं दोस्तों। तो के एम मुंशी का संबंध है दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति से, संविधान की प्रारूप समिति से संबंध है के एम मुंशी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित हैं? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1960। जल्दी से बताइए कि बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1960, 1960। अच्छा क्वेश्चन है, तो व्याख्या भी देख लीजिए। बेरुबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, प्रस्तावना को संविधान का अंग किसने नहीं माना, सर्वोच्च न्यायालय ने, और किस वाद में, बेरुबाड़ी वाद में। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से
किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर अम्बेडकर, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। जल्दी से बताइए कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 30। जल्दी से बताइए कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 26। एससी के कितने सदस्य थे दोस्तों? 26 सदस्य इसमें थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा किस देश से ली गई है, यानी किस देश के संविधान से वो भाषा ली गई है? ठीक है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नेशनल हेल्थ डे, ऑप्शन बी नेशनल गवर्नमेंट डे, ऑप्शन सी नेशनल लॉ डे, ऑप्शन डी नेशनल एनवायरनमेंट डे। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आना चाहिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नेशनल लॉ डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन ए शुभ मुहूर्त, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, ऑप्शन सी बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन, ऑप्शन डी भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। जल्दी से बताइए कि संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्या कारण रहा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हुआ? अंगीकृत हुआ। इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान को अंगीकृत करने और लागू करने के बीच 2 महीने का समय क्यों लगा? ऑप्शन ए शुभ मुहूर्त के लिए, ऑप्शन बी हिंदी अनुवाद के लिए, ऑप्शन सी अंग्रेजी अनुवाद के लिए, ऑप्शन डी संविधान में सुधार के लिए। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि संविधान को अंगीकृत करने और लागू करने के बीच 2 महीने का समय क्यों लगा? तो क्यों लगा दोस्तों? उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए। किसके लिए? हिंदी अनुवाद करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। 26 नवंबर 2015 को भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर कार्य करता है वे किस देश से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी आयरलैंड। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जापान। जापान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। जल्दी से बताइए कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन के अनुसार कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान को किसने छापा, यानी कौन सी ऐसी संस्था है जिसने भारत के संविधान को छापा था? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन सी सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। जल्दी से बताइए कि भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के संविधान को छापा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान को छापने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 5 साल। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। छापने में कितना समय लगा, बनाने में अलग समय लगा, छापने में अलग समय लगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 5 साल। भारत के संविधान को छापने में कितना समय लगा, 5 साल का समय लगा। बनने में कितना लगा, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया? ऑप्शन ए राम बिहारी नारायण, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण, ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी नारायण, ऑप्शन डी हरि बिहारी नारायण। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए अत्यंत लचीला, ऑप्शन बी अत्यंत कठोर, ऑप्शन सी कठोर कम लचीला अधिक, ऑप्शन डी कठोर अधिक लचीला कम। जल्दी से बताइए कि भारत का संविधान निम्न में से क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कठोर कम है और लचीला अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी पूर्णतया संगात्मक, ऑप्शन सी संरचना में संगात्मक, भावना में एकात्मक, ऑप्शन डी भावना में संगात्मक, संरचना में एकात्मक। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संरचना में संगात्मक और भावना में एकात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन सी विकासशील संविधान है, ऑप्शन डी तानाशाही संविधान है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। किसका स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन सी राष्ट्र अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान का। जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, किसका पड़ा है बताइए फटाफट से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28,
निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन ए संविधान लिखित और अनम्य है, ऑप्शन बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के प्रस्तावना पेज को किसने सजाया? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन डी हरि नारायण। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपने वीडियो नहीं देखा हो भारत का संविधान और उसकी विशेषता से संबंधित, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाते हुए उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना पेज को सजाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 35 क्वेश्चन है, सॉरी, तो 30वां क्वेश्चन आ गया है। तो संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 26 सितंबर 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। जल्दी से बताइए कि संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 28। जल्दी से बताइए कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों? 33। एसटी के कितने थे? 33, और एससी के कितने बताए मैंने? 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? ऑप्शन ए 110 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 114 दिन, ऑप्शन डी 118 दिन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, अच्छा क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो को मिलाना है। तो संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पता होना चाहिए। तो संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक उपसमिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी। और झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 4, 3। तो ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1, 2, 4, 3। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी और भारतीय संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? क्रमशः संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15 और 12, ऑप्शन बी 15 और 8, ऑप्शन सी 10 और 8, ऑप्शन डी 12 और 10। जल्दी से बताइए कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी और भारतीय संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो महिला तो थी 15, और संविधान जो बना था उस पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? 8 ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 और आखिरी क्वेश्चन, संविधान सभा में राजस्थान के निम्न में से कौन से सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए गोकुललाल असावा, ऑप्शन बी दलेल सिल, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी मोहनलाल सुखाड़िया। जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, वो ट्रिक याद आ जानी चाहिए। जब हीरा माटी गोधरा में सजे, वो ट्रिक याद होगी तो काम चल जाएगा।
ट्रिक देखनी हो तो हमारा वीडियो पूरा देखना होगा, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, वो संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य नहीं थे, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप हम पर विश्वास बनाए रखें, ठीक है। जय महाकाली, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।